5 बेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। मैंने 2022 के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की एक वीडियो बनाई थी जिसका रिस्पांस काफी ज़रा बढ़िया देखने को मिला है। बट अब 2023 आ चुका है, प्लान्स भी चेंज हो चुके हैं और ओटीटी के ऊपर आने वाला कंटेंट भी चेंज हो चुका है। तो 2023 के अंदर कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म आपके लिए वैल्यूएबल होने वाला है, किसके अंदर आपको फायदा मिलने वाला है, कौन सा आपको सस्ता देखने को मिलेगा और किसके ऊपर आपको ज्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा और नए प्लान्स क्या होने वाले हैं, इन सभी के पूरी वीडियो को देखते रहिए, आपके काफी ज्यादा पैसे बचने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। 5 सोनी लिव। तो 5वें नंबर के ऊपर मैंने लिखा है सोनी लिव को। सोनी लिव काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करता जा रहा है बट यहाँ पर कुछ कमी रह जाती है, इसलिए मैंने इसको 5वें नंबर के ऊपर रखा है। अगर मैं सोनी लिव के प्लान की बात करूं, 299 रुपए का आपको यहाँ पर प्लान देखने को मिलता है प्रीमियम का, जो कि 1 मंथ का देखने को मिलता है, और 999 का आपको 1 साल का प्लान देखने को मिलता है जो कि प्रीमियम देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको 599 रुपए का मोबाइल का रिचार्ज भी देखने को मिलता है जो कि पूरे 1 ईयर का होने वाला है, बट वो सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही काम करने वाला है। तो प्लान मेनली आपको 299 का और 999 का देखने को मिल जाता है। सोनी लिव काफी ज्यादा ग्रो करता जा रहा है, आपको काफी सारी मूवी देखने को मिलती है बट यहां पर काफी कुछ कमी रह जाती है। अगर आप सोनी के काफी सारे चैनल आते हैं, उनका कंटेंट देखते हो, सीरियल देखते हो, जैसे कि शार्क टैंक इंडिया हो गया, तारक मेहता हो गया और कुछ और टाइप के शोज हो गए, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। आजकल काफी सारी मूवीज भी आ रही है बट यहां पर थोड़ी बहुत कमी आपको देखने को मिल जाती है। मोस्टली यहां पर आपको सोनी चैनल्स का कंटेंट ही देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने इसको 5वें नंबर के ऊपर रखा है। 5वें नंबर पर इसके अलावा आपको कुछ और भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि वूट देखने को मिलेगा, एमएक्स प्लेयर देखने को मिलेगा, जियो सिनेमा देखने को मिलेगा और कुछ और भी आपको देखने को मिलते हैं। एमएक्स प्लेयर आपको फ्री में देखने को मिलेगा बट वहां पर आपको एड्स देखने को मिलती है, और जियो सिनेमा काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, आने वाले टाइम में ये अपनी रैंक भी इंक्रीज करने वाला है। आईपीएल बिल्कुल आपको फ्री में देखने को मिल रहा है जियो सिनेमा के ऊपर, साथ ही में फीफा वर्ल्ड कप भी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये था 5वां नंबर। 4 G5। G5 ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है, अभी आपको 4th रैंक के ऊपर देखने को मिलेगा। यहां पर आपको 499 का प्लान देखने को मिलता है जो कि स्पेशल मोबाइल का देखने को मिलता है 1 साल के लिए। इसके अलावा 799 का आपको 1 ईयर का प्लान देखने को मिलता है, यहां पर आपको HD कंटेंट देखने को मिलता है। तो ये वाला प्लान आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा अगर आपको G5 चाहिए। G5 का बेनिफिट ये होने वाला है कि यहां पर आजकल आपको काफी सारी वेब सीरीज देखने को मिलेगी और काफी सारी बॉलीवुड की और रीजनल मूवी भी यहां पर आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आपको रीजनल के अंदर पंजाबी और काफी सारी टाइप की और मूवीज देखने को मिलती है। आजकल काफी सारी वेब सीरीज भी यहां पर आपको देखने को मिलती है जो धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोकली जो इंडिया का जो कंटेंट होता है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो इस वजह से काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। साथ ही में जी के आपको काफी सारे और चैनल देखने को मिलते हैं, उन सभी का कंटेंट भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट जो 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है इनकी रैंकिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल है, हो सकता है कि जो 3 नंबर के ऊपर हो वो आपका 1 नंबर के ऊपर फेवरेट हो, तो मैंने यहां पर इनको अपने इंटरेस्ट के आधार पर रखा है, बट आप इनको अपने इंटरेस्ट के आधार पर चुन सकते हैं, इनकी रैंकिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो 3 नंबर के ऊपर आता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। तो हॉटस्टार हमेशा से काफी ज्यादा फेमस है, अगर आपको हॉलीवुड की मूवीज देखनी है, बिग शो देखने हैं जहां पर आपको VFX वाले देखने को मिलते हैं, मूवीज देखने को मिलती है, यहां पर आपको मार्वल की मूवी भी देखने को मिलती है, 3D देखने को मिलेगी, 4K वाली देखने को मिलेगी और काफी सारे अमेजिंग शो भी देखने को मिलते हैं। डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर जो बड़े बजट की मूवी होती है जिनके ऊपर हैवी VFX का यूज किया जाता है, या फिर जो बड़े लेवल के शो होते हैं जो कि काफी ज्यादा महंगे होते हैं, वो सब यहां पर आपको देखने को मिलते हैं और यहां पर आपको काफी ज्यादा शो देखने को मिलेंगे। साथ ही में जो इंडियन कंटेंट है, सीरियल्स है, वो सभी भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं और काफी सारी जो बड़ी मूवी होती है वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है अगर आपको अच्छे वाले कॉन्टेंट चाहिए। साथ ही में यहां पर आपको क्रिकेट भी देखने को मिलेगा और काफी सारे स्पोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे, बट यहां पर अब HBO कॉन्टेंट को रिमूव कर दिया गया है। साथ ही में इस साल IPL आपको हॉटस्टार के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगा। फीफा वर्ल्ड कप भी आपको जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिला था। अगर मैं डिज्नी हॉटस्टार के प्लान्स की बात करूं, 299 का आपको प्रीमियम प्लान देखने को मिलता है जो कि 1 मंथ का देखने को मिलेगा, 899 का आपको 1 साल का देखने को मिलेगा बट वहां पर आपको एड्स देखने को मिलेगी, 1499 का आपको पूरे 1 साल का देखने को मिलेगा प्रीमियम वाला, वहां पर आपको एड्स भी देखने को नहीं मिलती है। तो ये प्लान आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाला है क्योंकि यहां पर जो आपको कंटेंट देखने को मिलता है वो बिल्कुल हाई लेवल देखने को मिलता है, बट यहां पर उन्होंने कुछ कंटेंट को रिमूव किया है, इसी वजह से इसकी कुछ रैंकिंग भी घटी है। सेकंड नेटफ्लिक्स काफी ज्यादा पॉपुलर आपको देखने को मिलता है, अगर आपको इंटरनेशनल शो देखने हैं, मूवी देखनी है और आपको हिंदी डब मूवी देखनी है, जैसे कि आपको काफी सारी साउथ की मूवी देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है बट उनको जब वो हिंदी में डब करते हैं तो मोस्टली आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलती है, और बॉलीवुड की भी काफी ज्यादा हाई लेवल की और काफी सारी जो सीरीज होती है वो भी आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलती है। नेटफ्लिक्स का जो कंटेंट होता है उसकी टक्कर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बट पिछले कुछ टाइम से नेटफ्लिक्स का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा कंटेंट की क्वालिटी के अंदर कमी आई है, बट वो धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर रहा है, इसी वजह से यहां पर इन्होंने
अपने प्राइस को भी घटा दिया है। तो प्राइस यहाँ पर आपको काफी कमाल के अब देखने को मिलेंगे, पहले काफी ज्यादा महंगे देखने को मिलते थे। अगर मैं नेटफ्लिक्स के प्लान की बात करूं तो 149 का आपको मोबाइल का देखने को मिलेगा, बट ये आपको 480p ही देखने को मिलने वाला है। 199 का आपको 720p का देखने को मिलेगा, जिसको मोबाइल के अंदर भी यूज कर पाओगे, टीवी लैपटॉप के अंदर भी यूज कर पाओगे। 499 एंड 649 का भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। 180p भी आप देख पाओगे और 4K वाला भी देख पाओगे, जो कि काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप मल्टी यूजर भी यूज कर पाओगे, बट मोबाइल के प्लान में आप मल्टी यूजर यूज यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो नेटफ्लिक्स आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है, बट पिछले कुछ टाइम से कंटेंट के अंदर कमी आ रही है। Amazon Prime काफी ज्यादा टाइम से नंबर 1 के ऊपर भी बना पड़ा है, बट ये थोड़ा बहुत घटता बढ़ता भी रहता है। बट Amazon Prime के ऊपर आपको काफी बढ़िया कंटेंट आज के टाइम में देखने को मिलेगा। Amazon फेमस है अपनी वेब सीरीज के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपको मिर्जापुर देखने को मिलती है, फैमिली मैन देखने को मिलती है, काफी सारी मूवीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको KGF देखने को मिलती है, और काफी सारा कंटेंट इसके ऊपर ग्रो करता जा रहा है। Amazon Prime के ऊपर यहाँ पर आपको काफी सारी हैवी लेवल की VFX मूवी भी देखने को मिलती है, और काफी सारा कंटेंट और भी देखने को मिलता है सोच के लिए और डॉक्यूमेंट्री के लिए, ये भी आपको काफी सारा ठीक देखने को मिलता है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। बट Amazon Prime के आपको और बेनिफिट देखने को मिलते हैं, इसी वजह से मैंने इसको नंबर 1 के ऊपर रखा है। जैसे कि यहां पर आपको प्राइम देखने को मिलेगा, प्राइम के अंदर आपको फ्री डिलीवरी देखने को मिलेगी और आपको फास्ट डिलीवरी भी देखने को मिलती है। आपको Amazon की जो म्यूजिक ऐप है वो बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है, और Amazon के काफी सारे और प्रोडक्ट हैं उनका भी आपको एक्सेस देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहां पर आपको काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलता है। साथ ही में यहां पर आपको एक यूथ ऑफर भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा इसके रिचार्ज के ऊपर। अगर हम Amazon Prime के प्लान की बात करें तो यहां पर 179 का आपको मंथली रिचार्ज देखने को मिल जाता है, 459 का आपको 3 मंथ का रिचार्ज देखने को मिलेगा, एंड 1499 का आपको पूरे एनुअल का रिचार्ज देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर इन्होंने थोड़े से इंक्रीज कर दिए हैं, बट ओवरऑल ये आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। तो ये थे टॉप 5 OTT प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, तो आप अपने हिसाब से इनको डिसाइड कर सकते हो, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।